दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रांड हब नियर रेड लाइट चौक पानीपत, को स्पॉन्सर्ड बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सौरभ। कोरोना अब लगातार डराने वाली स्थिति में पहुंच रहा है। बुधवार को डराने वाली खबर ये रही कि कोरोना से सबसे कम उम्र के 19 साल के युवक की जान चली गई। युवक मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, स्मालखा में किराए पर रहता था। 4 नवंबर को उसका सड़क किनारे पड़ी मिट्टी पर बाइक गिरने से एक्सीडेंट हो गया। सिर, हाथ व पैर में गंभीर चोटें आई। स्मालखा से उसे रोहतक PGI में रेफर किया गया था। वहां टेस्ट करने में 5 नवंबर को वह पॉजिटिव मिला है। 10 नवंबर की रात 10:27 पर युवक ने दम तोड़ दिया। इससे पहले 8 मई को सेक्टर 11 में जीजा के घर आई 20 साल की लड़की, मूल रूप से फरीदाबाद की रहने वाली थी, उसको भी कोरोना से उसकी मौत हो गई थी। कोरोना से इस महीने में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जिले में अब तक 110 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। बुधवार को 32 नए केस भी मिले तो वही रिकवरी सिर्फ 19 केसों की हुई है। जिले में कुल केसों का आंकड़ा 8,332 पर पहुंच गया है। इनमें से 7,856 की रिकवरी हो चुकी है। जिले में 56 लोग पॉजिटिव मिलने के बाद अब भी विभाग की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। कुल केसों में से 1.31% यानी 110 लोगों कोरोना से हार चुके हैं। एक्टिव केस अब देखते ही देखते 360 तक पहुंच गए हैं। ये एक्टिव केस 11 दिनों में ही दोगुना के करीब पहुंच गए हैं। जिले में 31 अक्टूबर तक 185 केस यानी सिर्फ 2.31% केस एक्टिव थे, लेकिन 11 नवंबर की शाम तक जिले में ये आंकड़ा 360 तक पहुंच गया। अब कुल केसों से 4.29% केस एक्टिव हो गए हैं। इस महीने में रिकवरी प्रतिशत भी लगातार गिर रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए जुड़ रही है वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार।